हाई गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो मैं आपके साथ एज अ लेडी ड्राइवर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा होंडा सिटी ऑटोमेटिक चलाने का, होंडा सिटी CVT ड्राइव करने का ऑन हिल्स कैसा एक्सपीरियंस रहा, और मैनुअल चलानी चाहिए या फिर ऑटोमेटिक चलानी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो कुछ चीज़ें गौरव बताने वाले हैं, कुछ चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, मेरा एक्सपीरियंस एज अ लेडी ड्राइवर कैसा रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव, मुझे ये बताओ मैनुअल बेटर है या फिर CVT या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन स्पेसिफिकली? सो बेसिकली व्हाई अ पर्सन टेक मैनुअल इज बिकॉज मैनुअल चलाने के लिए लोगों को लगता है कि यार एक तो माइलेज अच्छी आएगी, ठीक है, और दूसरी बात लोग मैनुअली चलाते हैं स्टार्टिंग में। अभी ये ऑटोमेटिक और CVT अभी रिसेंटली आई हैं एंड लोगों को परफॉर्मेंस का नहीं पता, तो इसलिए लोग कहते हैं हम मैनुअली चलाएंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था जब हमने कार चेंज करनी थी, हमारे पास पहले मैनुअल थी, हमने हमेशा ही मैनुअल चलाई है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि भैया पहाड़ों पे अगर हम जाएंगे मैनुअल में तो हमें टॉर्क मिल जाता है, बट हमें ऑटोमेटिक में कैसे मिलेगा अगर हमें एकदम स्टीप चढ़ाई करनी है तो? सो हमें ना वो एक डर था, एक हिचक थी कि भाई ऑटोमेटिक या CVT ट्रांसमिशन शायद हिल के लिए नहीं है, बट इस ट्रिप पे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं कि आपको मैनुअल लेनी चाहिए या ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, पूरे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। आई मीन वी आर नाउ एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने इससे पहले एक सबसे बड़ा जो राइड किया था वो था यहाँ बैंगलोर से गोवा, सो दैट इज़ लाइक 600 किलोमीटर, वो मैनुअल में था। मैनुअल में मतलब आप बहुत टायर हो जाते हो यार, यहाँ पे 1000 किलोमीटर चलाने के बाद भी आपको टायरिंग नहीं लगता है ऑन प्लेन्स, ओके। और मतलब आप हिल में भी चलाओगे आपको बहुत कंफर्ट रहेगा, बिकॉज आपका एक तो एक लेग तो डिसएंगेज ही है यार, एक लेग और एक हाथ डिसएंगेज है, क्लच तो यूज़ ही नहीं कर रहे हो, गियर आपको बार बार शिफ्ट नहीं करना है। यस, तो मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर आपको जैसे चांगला पे जाना है, चांगला पे वैसे उसमें आपके हाथ सारे हाथ पैर सब टूटेंगे बाद में आके, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेयरिंग यू पकड़ के चलना नहीं, है यू। एक तो ना स्टेयरिंग आपका गौरव ये पकड़ना, जरा मैं बताती हूँ, जब ऑफ रोड आती है ना तो स्टेयरिंग ऐसे 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 हो रहा होता है, ठीक है। तो आपके जो ये शोल्डर्स है ना फुल ऑन एंगेज रहते हैं, अब उसमें आप बताओ कि आपको गियर भी चेंज करना है, फिर आपको क्लच ब्रेक एक्सेलरेट भी करना है। ओ माय गॉड। हाँ, तो मैनुअल चलाना है तो मैनुअल चला सकते हो, बट अगेन द थिंग इज कि आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट वो हाई हो जाएगी, क्योंकि आपकी क्लच प्लेट तो जरूर जलेगी। गाइस आप वो व्लॉग देखना यार, जो हम पैंगोंग जा रहे थे, लोगों के क्लच लिटरली जले पड़े थे, मतलब इतनी स्मेल आ गई। एक बारी तो गौरव ने मुझे बोला कि यार गाड़ी रुक के देख जरा अपनी स्मेल आ रही है क्या गाड़ी में से जलने की। तो हमारा क्या है, हम अपना ये सोच रहे थे कि हमारा इंजन ऑयल लीक हो गया या कुछ लीक हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसा लीक हो गया, बट हम लोग वो सब करके आ गए और चांगला और पैंगोंग तक क्रॉस करके आ गए, जो सबसे मुश्किल लगा। एक महीने में हमें होंडा सिटी ने कोई दिक्कत नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं दी है CVT ट्रांसमिशन ने कि हम कुछ कंप्लेंट कर सकें कि भाई हमें प्रॉब्लम थी। ओनली प्रॉब्लम वॉज ग्राउंड क्लियरेंस, वो भी हमने पेशेंटली ड्राइव किया, तो ऐसा नहीं कि हमसे नहीं हो पाया, हमने बहुत ईजिली किया है, मक्खन की तरह किया है। पीपल वर रियली अमेज टू सी होंडा सिटी इन लद्दाख। सो रुक रुक के हमसे पूछ रही, रादर हमें रोक रहे थे लोग कि भाई आप कैसे लेके आ रहे हो, या फिर रोक के देख रहे थे कि हम वाटर क्रॉसिंग्स कैसे क्रॉस कर रहे हैं। पीपल वर लिटरली अमेज्ड टू सी इट। सो एंड मुझे तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, आप बहुत अच्छा नेविगेट कर रहे हो, गौरव को बोला है कि आप बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हो। अच्छा लगता है यार ये सब सुन के, जब अनजान लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हो तो। सो ये चीज़ थी एंड मेरा हिल ड्राइविंग का एक्सपीरियंस। गाइस मैंने मुन्नार में एक बारी ना मैनुअल ड्राइव कर ली थी, एक डिप ऐसे हिल्स पे ऐसे एक डिप सा नहीं आता, वहाँ पे मेरी गाड़ी रुकी, गौरव ने बोला देख 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 आगे कुछ नहीं था, मेरी ब्रेक लगी, उसके बाद मुझसे गाड़ी नहीं उठी। उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं हिल्स पर गाड़ी ड्राइव नहीं करूँगी, बट दिस टाइम सिंस वी हैड द CVT मैंने हिम्मत जुटाई कि भैया मैं ड्राइव कर लेती हूँ। आई एम वेरी गुड हाईवे ड्राइवर या सिटी ड्राइवर, बट मैंने हिल्स पे मैंने बोल दिया था कि मैं नहीं करूँगी। पैंगोंग के रास्ते पे इसने भी चलाई है, पैंगोंग मैंने वाटर क्रॉसिंग्स भी करी हैं गाइज। सो बहुत ही एक्सट्रीमली स्मूथ एक्सपीरियंस रहा मेरा, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मुझे अभी गियर चेंज करना है, अभी मुझे सेकंड में जाना है, अभी मुझे थर्ड पे जाना है, या अभी मुझे फर्स्ट गियर पे जाना है, मुझे जस्ट ब्रेक और एक्सीलरेशन का ध्यान रखना था, दैट्स इट। कोई गियर चेंज नहीं करना था, ड्राइव मोड पे बहुत स्मूथ चल रही थी गाड़ी, मुझे कहीं इवन स्पोर्ट्स मोड भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं वैसे ही ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव नहीं करती हूँ। हिल्स पर तो मैंने 40 की स्पीड मेंटेन कर रखी थी, दैट्स इट। और जहाँ मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डीप बेंड्स आ रहे हैं या हेयर पिन बेंड्स आ रहे हैं, वहाँ तो मैं 30 पे चली जाती थी। हमने स्लश में भी चलाई है, स्लश में भी चलाई है, सब कुछ चलाई है, और मुझे कहीं पर भी दिक्कत नहीं हुई। बट मुझे मैनुअल से ज़्यादा मुझे CVT ट्रांसमिशन, या मैं बोलूँ कि आप ऑटोमेटिक अगर आपके पास है ज़रूर प्रेफर करो, हिल्स के लिए बहुत अच्छी रहती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि अगर हमारे माइंड में इस वक्त कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो। सो कुछ कहना चाहोगे अभी गौरव? बस यही है, और मतलब और कुछ ज़्यादा तो है नहीं है, बाकी ये है कि एक्सपीरियंस अच्छा रहा। शायद मैं मैनुअल लाया होता गाड़ी कभी कोई,
तो मैनुअल में तो मेरी गाड़ी शायद ले में ही बैठ जाती, जो मैंने मेजरली देखा लोगों की बैठ जाती है एक बार पेंट लोग डाउन यार होता है। गैराज में लोगों की गाड़ियां पहुंची पड़ी हैं, इतना बुरा हाल है लोगों के, एक्सेल टूटे हैं लोगों के, टायर पंचर हुए हैं, दो दो टायर पंचर हुए हैं। पेशेंस, हाँ लोग बहुत रैश ड्राइव करते हैं यहाँ पे, इवन कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी बहुत रैश ड्राइव करते हैं। एक एक्सपीरियंस मैं एक बंदे का बताता हूँ, उस बंदा अपनी नई SUV लेके आया था, कहता मेरी 1000 किलोमीटर भी नहीं चली और उसका आगे का टायर फट गया था। मतलब लिटरली, मतलब यार आप सोचो, पत्थर तो ऐसे नुकीले होते हैं, आपने देखा होगा हमने तुरतुक में चलाई कैसे चलाई और वो सब कैसे पत्थर थे। हमारे जो होंडा सिटी के हैं, दीज आर कंपनी फिटेड टायर्स। कौन सी कंपनी के हैं ये? ब्रिजस्टोन। ब्रिजस्टोन के हैं। और मैं एक अमेजिंग चीज़ बताती हूँ, बैंगलोर में एक छोटा सा पत्थर लगा और वो कंपनी फिटेड टायर जो ब्रिजस्टोन का था फट गया। स्पीड पे थे हम? नहीं, वी वर नॉट ऑन स्पीड। हम बस अपनी सोसाइटी, हम अपनी की स्पीड पे थे। नहीं, हम अपनी सोसाइटी से बाहर निकले थे, वी जस्ट टुक अ यू टर्न और कोई पत्थर आया होगा, टायर फट गया। अब जब ये ट्रिप करना था, मैं गौरव को बोली जा रही हूँ, गौरव टायर रिप्लेस कर लो, टायर रिप्लेस। गौरव कह रहे हैं नए टायर्स हैं, अभी रिप्लेस करके हमें कुछ मिलेगा भी नहीं, वी विल बी इन लॉस। सो मैंने कहा बट आपको अगर आगे पहाड़ों पे जाना है तो आप ट्रस्ट कर रहे हो इन टायर्स पे? तो मेरे को तो ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं था। गौरव कहते देखी जाएगी जो होगा, देखते हैं, लेके चलते हैं, देखी जाएगी आगे जैसा होगा जो होगा, टायर तो कहीं पे भी मिल जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है चलो चलते हैं। अमेजिंग गाइस, एक महीना हो चुका है जहाँ वो बैंगलोर में एक छोटे से पत्थर से टायर फट गया था, यहाँ पे इस गाड़ी ने, इन टायरों ने फुल ऑफ रोड कर ली है, बट एक नुकसान नहीं हुआ टायरों guys, को। टच वुड। अच्छा, टच वुड की थिंग वाज कि हम पेशेंटली ड्राइव कर रहे थे, हम टायरों पे से रफ नहीं लेके जा रहे थे, बिकॉज जो पॉइंटेड एकदम नीडल जैसे स्टोन्स भी हमें मिले हैं, बट हमने कहीं पे भी स्पीड नहीं किया है। लोगों की दिक्कत होती है, लोग ना पेशेंटली ड्राइव नहीं करते हैं और एकदम स्पीड करके निकल जाते हैं, तो कुछ ना कुछ अंदर टायरों में खुप जाता है। हम लोगों ने वो सब नहीं किया, वी आर गोइंग वेरी स्मूथली। सो टच वुड अभी तक चल चुकी है, टच वुड। सो अभी तक चल चुकी है और बहुत अच्छे से चली है, अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लेट्स एंड द वीडियो ओवर हियर, बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बाय बाय। It's not a game, it's a rich game.